गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में संदर्भ इलेक्ट्रोड के बारे में चर्चा करी थी कि व्हाट इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, और हमने उसके बारे में आपको कल बताया था कि लास्ट क्लास में कि दो टाइप के संदर्भ इलेक्ट्रोड होते हैं, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड और द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड। प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड के अंदर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी थी, द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड के अंदर AgCl ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड इन सब की बात करी थी कि ये वो इलेक्ट्रोड हैं जिनके क्या नाम है कि जो सेल पोटेंशियल हैं, जिनका जो जो ई नोट जो इलेक्ट्रोड होता है वो पहले से नोन होता है। तो यहाँ पे देखो, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको बहुत ही पहले की कंडीशन में काम में लिया जाता था, हालांकि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आज भी इसके कुछ करेक्टर्स हैं जो वास्तव में दूसरे इलेक्ट्रोड्स में नहीं पाए जाते। बाकी आजकल इसको यूज़ बहुत कम करते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी कमियाँ हैं, किसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। आजकल हम ग्लास इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, इन सब इलेक्ट्रोड्स को काम में लेते हैं, तो इसलिए। लेकिन अपने इसको एक्चुअली आज भी क्वेश्चन इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये होता है कि जिसको बहुत ही पहले, सबसे पहले इनको काम में लिया जाता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने क्या कहा कि संदर्भ इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होंगे जो आइडियल होते हैं, जो आदर्श होते हैं, और जिनका जो सेल पोटेंशियल होता है या जो उनका उनके इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है, क्योंकि देखो सेल विभव तो बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक सेल तो दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है, और दो के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें से एक तो संदर्भ इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा इसके अंदर वर्किंग इलेक्ट्रोड होगा। और अब आपको मैंने बताया था वो वर्किंग इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। भाई ये सेल बन गया, अब इस सेल का विभव कैसे निकाल लेंगे, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इस तरीके से पूरा सेल का विभव निकल जाएगा आराम से मानक परिस्थितियों में। अन्य परिस्थिति में नेंटर समीकरण से निकाल लेंगे। संदर्भ इलेक्ट्रोड का पहले से पता होता है तो वर्किंग इलेक्ट्रोड का निकल जाएगा भाई, इसका ये पूरा सेल का पता है और इन दोनों में से कोई एक संदर्भ होगा और एक वर्किंग होगा, तो इसलिए निकाल सकते हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसको SHE भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड, मतलब सबसे पहले जो जानकारी में आया था मानक संदर्भ इलेक्ट्रोड। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर समझिए। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना है। इस तरीके से देखिए, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, ये एक H2 इलेक्ट्रोड की संरचना है। किसकी संरचना है ये, H2
इलेक्ट्रोड की संरचना है। देखिए इसका क्या मतलब है कि इसमें ये जो है वो है प्लेटिनम का तार। किसका तार है ये? प्लेटिनम का तार। देखिए इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये अर्ध इलेक्ट्रोड है, ये सॉरी अर्ध सेल है, इसको अर्ध सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सेल की स्ट्रक्चर क्या होगी। मैं वापस से बना रहा हूँ, ये मान लीजिए ये पूरा सेल है, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, कोई भी समझ इसको ध्यान से, वापस मैं उसके ऊपर आऊँगा। यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये मैं बना रहा हूँ आपका वो, देखते जाइए आप एक बार थोड़ा सा। आपको क्या दिमाग में एक चीज़ तो होनी चाहिए ना कि भाई किस तरीके से ये होगा, कैसे बनता है। सेल हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों से मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। सेल हमेशा कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलके बनेगा? दो इलेक्ट्रॉनों से। ये एक पूरा सेल है। अब देखिए इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? जो अभी वन ऊपर बना है ये आपका हो गया वर्किंग इलेक्ट्रॉन। वर्किंग इलेक्ट्रोड का मतलब जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, दोनों को मिला दिया, ये आपका बीच में हो गया लवण सेतु। क्या हो गया? लवण सेतु। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को मिला दिया, ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन हो गया, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन। अब देखो सुनो, सपोज कीजिए ये कॉपर की छड़ है, तो यहाँ पे फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन लिया जाएगा? कॉपर सल्फेट। कौन सा लिया जाएगा? कॉपर सल्फेट। इस तरीके से ये देखो, ये इसके बारे में अपन बात कर लेंगे। तो ये इसका संदर्भ इलेक्ट्रोड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसको अपन क्या बोला? हाइड्रोजन। मैंने बोला संदर्भ इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, इनको मिला के सेल बना लिया, तो सेल का पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे इसका पता है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और अगर द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड हुआ कैलोमल सिल्वर सिल्वर इलेक्ट्रोड तो उसका पता होगा। ऐसे सेल पूरा बनता है, उनमें से आधा पार्ट जो है इसको अपन अर्ध सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अर्ध सेल। और इसको भी क्या बोल सकते हैं? अर्ध सेल बोल सकते हैं। दोनों को मिला के सेल बनेगा, या फिर इसको अकेला बोले तो इलेक्ट्रोड बोल देंगे, ये इलेक्ट्रोड और ये भी इलेक्ट्रोड। तो अपन बात कर रहे थे इसके बारे में। देखिए ये आपका एक सेल है, आधा सेल, इसको अर्ध सेल बोलेंगे और इलेक्ट्रोड बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब कोई भी इलेक्ट्रोड की खास बात क्या होती है कि वो जिसकी छड़ होती है वही छड़ उसके उसी छड़ के आयनों में डूबी होती है। जैसे जिंक होगा तो जिंक हमेशा जिंक इलेक्ट्रोड के विलयन में, जिंक प्लस टू आयनों के विलयन में डूबा हुआ होगा, जिंक प्लस टू में। अब जिंक प्लस टू अकेला तो होता नहीं है, तो जिंक सल्फेट देते हैं। कॉपर होता तो कॉपर सल्फेट में डूबा होता है, सिल्वर होता है तो सिल्वर उसमें डूबा होता है, Ag होता है वो AgCl लिख सकते हो या Ag प्लस लिख सकते हो, तो वही छड़ उसी में डूबा रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हाइड्रोजन तो गैस होती है, उसकी कोई छड़ तो बन नहीं सकती, उसके लिए छड़ बनने के लिए या उसकी रोड बनने के लिए तो वो सॉलिड होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जिंक ठोस था, सिल्वर ठोस था, आयरन ठोस है, कॉपर ठोस है, तो इनका छड़ बन गई। तो यहाँ पे देखो H2 क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। तो गैस की छड़ तो बन नहीं सकती, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का सहारा लिया जाता है, जिसको अपन ने बोला प्लेटिनम का तार। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम सॉलिड है। अब आप कहोगे कि सर आपने जिंक का तार क्यों नहीं लिया, कॉपर का तार क्यों नहीं लिया? तो भाई बात ऐसी है कि प्लेटिनम एक मोस्ट अक्रिय धातु में आती है। कौन सी धातु में आती है? अक्रिय धातु में, इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय धातु। अक्रिय धातु होती हैं, जैसे मैं कहूँ EU है, प्लेटिनम है, इस तरीके से। ये सिक्का धातु में बोलते हैं ना, उनको सिल्वर भी आता है भाई। जैसे इनकी सिक्के होते हैं, आज बना दिए सालों तक ख़राब नहीं होते, अगर आप लोहे का सिक्का बनाओगे तो जंग लग जाएगी उसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिक्के हमेशा चांदी के, सोने के। प्लेटिनम तो बहुत ही महंगा है इसलिए नहीं बनाते,
लेकिन प्लेटिनम बहुत ज़्यादा अक्रिय होता है। तो क्या होता है कि अगर आप जिंक यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे प्लेटिनम की जगह जिंक ले लेंगे, तो जिंक अपनी अभिक्रिया करना शुरू कर देगा, कॉपर अपनी अभिक्रिया करना शुरू कर देगा, सिल्वर अपनी अभिक्रिया भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ऐसी धातु ली जाती है जो कुछ काम नहीं करे, लेकिन सुचालक होने की वजह से इसके अंदर से करंट फ्लो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काम मुझे हाइड्रोजन को ही कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब चूंकि हाइड्रोजन ठोस नहीं है इसलिए उसका छड़ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने एक ऐसा तार डाल दिया जो ठोस है उसकी छड़ बन सकती है, परंतु वह अभिक्रिया में भाग नहीं ले, क्योंकि वो सबसे अक्रिय होता है। इसलिए इसका नाम भी अक्रिय इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड, समझ लीजिए। इसको अक्रिय इलेक्ट्रोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको केवल एक छड़ बनाने के लिए काम में लिया गया है, जो धारा का प्रवाह करेगा और क्या नाम है कि पोटेंशियल को क्रिएट करेगा। अक्रिय इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अक्रिय इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन इसमें ले ली तो हाइड्रोजन इसके चारों तरफ रहेगी इस तरीके से, ये इस तरीके से हाइड्रोजन गैस रहेगी। और वो अब एक तरीके से क्या हो गया, हाइड्रोजन किसके अंदर डूबी हुई है, HCl के हीलियम में। तो HCl में कौन से आयन हो जाएंगे यहाँ पे, H प्लस आयन। कौन से आयन हो जाएंगे यहाँ पे, H प्लस आयन, इस तरीके से। तो जैसे जिंक ओब्लिक जिंक प्लस टू लिखते हैं, वैसे H टू ओब्लिक क्या हो गया, H प्लस हो गया कि नहीं हो गया। तो अपन इसको किस से प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किस से प्रेजेंट किया जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको अपन अर्ध सेल भी बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अपन पीटी ओब्लिक एच टू प्लस एच सी। यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, केवल एच टू प्लस एच प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्लेटिनम का तार है तो ये अक्रिय धातु सॉलिड है। एच टू को क्या लिखेंगे, गैस, और इसको लिखेंगे एक्वस, क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है या किसी भी सोल्यूशन में। तो ये अर्ध इलेक्ट्रोड का सेल आरेख होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड, जैसे मान ली मैंने इसको कॉपर का बताया, तो यहाँ पे पूरे सेल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, देखिए आप लोग पूरे सेल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। एनोड कौन होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का जो विभव है, मैंने क्या कहा संदर्भ इलेक्ट्रोड है, इसका पहले से पता होगा, इसको स्वेच्छा से क्या माना गया है, इसका अर्ध जो सेल ई नोट जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का, ई नोट इसका प्लेटिनम ओब्लिक ओच टू प्लस एच प्लस का स्वेच्छा से 0.0 वोल्ट माना गया है। किससे माना गया है, ये स्वेच्छा से, क्योंकि बहुत कम रहता है इनकी तुलना में, इसलिए इसको मान लिया गया है। स्वेच्छा से कितना माना गया, 0.0 वोल्ट। अब साथ में कौन जुड़ा हुआ है, कॉपर जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, अरे भाई मैंने बोला ना, जैसे सपोज करो ये कॉपर है, तो अब आपको पता है कॉपर का कितना होता है, आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चिंता ना करें। यू लिखना आप सब, क्योंकि मैंने बोला ना सारी सारी चीज़ें SRP में लिखी जाती हैं अपचन में। तो कॉपर प्लस टू ओब्लिक कॉपर, इसका होता है प्लस 0.3 वोल्ट, 3-4 वोल्ट। तो अब यहाँ पे ज़्यादा कौन हो गया, कॉपर हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, कैथोड, और ये हो गया एनोड। अब इसका सेल आरेख किससे प्रेजेंट करेंगे, देखो हमेशा एनोड को पहले लिखते हैं, तो एनोड को कैसे लिखेंगे, PT ओब्लिक एच प्लस एच टू प्लस, ये आपका सॉलिड है, ये आपका एक्वस की कंसंट्रेशन आपको दी हुई मिलेगी, C1 C2, ये भी एक्वस है, ये गैस है, और ये सॉलिड है, इस तरीके से। ये आपका सेल आरेख हो गया किसके लिए, ये एनोड हो गया, और ये कैथोड हो गया, इस तरीके से अपन कहते हैं किसी भी सेल के लिए अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।